ड्राफ्टिंग बेसिकली क्या होता है, कास्टिंग में हम ड्राफ्टिंग अलाउंस देते हैं। ड्राफ्टिंग अलाउंस क्या होते हैं आज हम सीखते हैं सॉलिड वर्क में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ड्राफ्टिंग अलाउंस हम कैसे देते हैं। तो ड्राफ्टिंग अलाउंस कोई भी कास्टिंग करना हो तो इसमें हमें मोल्ड बनाते हैं, सैंड मोल्ड। इसमें हम पार्ट को इंजेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं। क्या होता है, कोई भी पार्ट एक सरफेस फ्लेट होगी तो क्या होगा, मोल्ड को भी वो डैमेज करेगी और पार्ट को भी वो रिमूव करते वक्त डैमेज करेगी। तो हम क्या करेंगे इसे कि इस सरफेस को हम थोड़ा सा एंगल दे देंगे, इसे हम ड्राफ्ट एंगल बोलते हैं। तो देखिए ये वाली सरफेस है वो स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी एंगल में है, तो इसके हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट एंगल। बेसिकली हम कोई भी पार्ट देखते हैं, कोई भी हमें पार्ट बनाना हो तो कैसे कैसे ड्राफ्ट एंगल देना पड़ता है। तो देखिए ये पार्ट हमें कास्टिंग में बनाना है तो हम क्या क्या ड्राफ्टिंग एंगल देंगे। एक यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंगल दें क्योंकि यहाँ से फ्लेट है, सरफेस है, और दूसरी यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंगल देंगे क्योंकि यहाँ पे फ्लैट सरफेस है। यहाँ से हम रेडियस देंगे और यहाँ पे भी ड्राफ्ट एंगल देंगे और यहाँ पे भी ड्राफ्ट एंगल देंगे। हमें बेसिकली दो सरफेस को ड्राफ्ट एंगल देना है। फर्स्ट होल ए वाली सरफेस जो फ्लेट है उसे हमें ड्राफ्ट एंगल देना है, दूसरी वाली ए वाली सरफेस को भी हमें ड्राफ्ट एंगल देना है। तो हम ड्राफ्ट एंगल सॉलिड वर्क में कैसे दे सकते हैं वो हम पहले सीखते हैं कि सॉलिड वर्क में ड्राफ्ट एंगल कैसे देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऐसा पार्ट बनाना है, हमें इस पार्ट को कास्टिंग करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको हम सेक्शनल व्यू देखते हैं। सेक्शनल व्यू इसका सेक्शनल व्यू है। तो ए वाली सरफेस और ए वाली सरफेस हमें क्या स्ट्रेट दिखाई रही है। तो जब हम वो पार्ट रिमूव करेंगे तो मोल्ड को डैमेज करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, ये दोनों सरफेस को, ए वाली सरफेस और ए वाली सरफेस को हमें ड्राफ्ट एंगल देना होगा। तो हम ड्राफ्ट एंगल कैसे देखते हैं, हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ड्राफ्ट एंगल देने के लिए हमारे पास दो सरफेस चाहिए। इस सरफेस को हमें ड्राफ्ट एंगल देना है, इस पर सरफेस को, तो मेरे से ए और ए हमारे पास दो सरफेस है, और इसके लिए मेरे पास ए वाली और ए वाली सरफेस है। दोनों सरफेस हम ड्राफ्ट एंगल दे सकते हैं। तो हम सीखते हैं कैसे हम ड्राफ्ट एंगल देंगे। तो ए वाला जो आइकन है वो ड्राफ्ट एंगल है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ड्राफ्ट एंगल खुलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, दो सरफेस सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए वाली सरफेस सिलेक्ट करेंगे और सेकंड ए वाली सरफेस सिलेक्ट करेंगे। और हम क्या पूछेंगे कि हमें कितने ड्राफ्ट एंगल देना है, माइनर 1.5, 2 mm से लेके 8 mm तक हम कास्टिंग में ड्राफ्टिंग एंगल देते हैं। हम यहाँ पे हम 5 एंगल लेते हैं, ड्राफ्टिंग एंगल 5 mm। ओके देखिए ये पार्ट हमने देखा, जैसे कि फर्स्ट हमने देखा था तो ए वाली सरफेस स्ट्रेट थी, इसमें हमने ड्राफ्ट एंगल दिया, कितना ड्राफ्ट एंगल दिया, और 5 mm हमने ड्राफ्ट एंगल दिया। अब यहाँ भी हमें ड्राफ्ट एंगल देना है, तो हम क्या करेंगे, उस इसके साथ भी वही चीज करेंगे। यहाँ से हम ड्राफ्ट एंगल्स आइकन पर क्लिक करेंगे और हमें दो प्लेन सिलेक्ट करने होते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए वाली प्लेन सिलेक्ट करेंगे और सेकेंड ए वाली प्लेन सिलेक्ट करेंगे। दोनों प्लेन हमने सिलेक्ट कर लिए, बाद में हम उसे अप्लाई देते हैं। यहाँ पे हमने 5 डिग्री ऑफ ड्राफ्टिंग सेट किया हुआ है, तो ड्राफ्टिंग एंगल हमने दिया हुआ है। तो ओके देखिए ये पार्ट कंप्लीट हो गया, ड्राफ्टिंग एंगल आपको दिख रहा है। हम इससे क्लियर देखना चाहते हैं, इसका सेक्शनल व्यू देखेंगे। सेक्शनल व्यू देखते हैं। देखिए ये हमने दोनों सरफेस में एंगल है, उसको हम मेजर भी कर सकते हैं, ए वाली सरफेस और ए वाली सरफेस के बीच में हम एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे दो
बीच में एंगल डिफरेंट है, ये 90 डिग्री पे नहीं है, इसको हमने ड्राफ्टिंग एंगल दिया हुआ 5 mm, इसलिए ये वाली लाइन के साथ एंगल 95 एंगल है और इस साइड भी 95 एंगल है, इसके साथ भी वही है, यहाँ भी 95 और यहाँ भी 95 है। तो हमने देखा कैसे हमने कोई भी ड्राफ्टिंग एंगल देते ऐसे हम सॉलिड वर्क ड्राफ्टिंग एंगल दे सकते हैं। ड्राफ्टिंग एंगल अलग अलग साइज के और अलग अलग सरफेस के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ हमने देखा कि ये दोनों सरफेस के अकॉर्डिंग हमने ड्राफ्टिंग एंगल किए और उसका एंगल भी हमने 5 mm एंगल भी दिया, ड्राफ्टिंग एंगल दिया और उसको हमने ड्राफ्टिंग एंगल किया और अब हमें इस पार्ट को कास्टिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड, हमने आज देखा कि ड्राफ्टिंग सॉलिड वर्क में ड्राफ्टिंग एंगल कैसे सेट करते हैं और कैसे हम कोई भी कास्टिंग पार्ट में ड्राफ्टिंग एंगल इन सॉलिड वर्क में दे सकते हैं। सो फ्रेंड, मेरे अगले वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड नीचे वाली घंटी टंटना दे, जिससे आपको ये वाला वीडियो अपलोड होने के बाद तुरंत मिल जाए। सो प्लीज़, थैंक यू।